मध्य प्रदेश के जिला सागर अंतर्गत जनपद पंचायत केसली में प्रत्येक गुरुवार की तरह इस गुरुवार को जनपद अध्यक्ष अतुल डेबड़िया द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान प्रमुख समस्याएं राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों ने जाहिर की हैं। परेशान ग्रामीणों ने बताया कि यहां तहसीलदार एवं दो नायाब के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे राजस्व संबंधित कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं। आए दिन तहसील कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ता है। केसली जनपद अध्यक्ष अतुल देवड़िया ने बताया कि जो तहसील कार्यालय में अधिकारियों की कमी है, यह अब ग्रामीणों की समस्या प्रमुख बन गई है। ग्रामीणों की यह समस्या को सुनने के बाद आज मेरे द्वारा सागर कलेक्टर को पत्र के माध्यम से केसली तहसील में तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार की कमी को पूर्ण करने की मांग की गई और परेशान ग्रामीणों को जनसुनवाई के दौरान यह अधिकारियों की कमी जल्दी पूर्ण करने का अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया। देखिए, जनसुनवाई तो साप्ताहिक जनसुनवाई है हमारी, जो विगत 7 वर्षों से लगातार जारी है। और ग्राम पंचायत स्तर की जो समस्याएं होती हैं, पंचायत स्तर की, वैसे लोग हमेशा आदमी की वही समस्याएं होती हैं, वो मैं बैठ के यहाँ सुनता हूँ, उनको हल कराने का प्रयास करता हूँ। हालांकि कुछ समय से तहसील से संबंधित कार्यों की शिकायतें कुछ ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं। कारण जो भी रहे हों कि अधिकारियों की जो है कमी है, पदस्थापना के हिसाब से यहाँ पर कर्मचारी पदस्थ नहीं किए गए हैं। इसके लिए भी कलेक्टर साहब को पत्र लिखवा रहे हैं। आज भी हमारे पास राजस्व विभाग से संबंधित काफ़ी समस्याएं आई हैं और लोग जनता परेशान हो रही है सर। तो ये जो समस्या है अधिकारी से संबंधित या अधिकारी की कमी है, तो लगभग क्या व्यवस्था हो सकेगी, आएगा? नहीं, करना चाहिए, जिला प्रशासन को इसकी व्यवस्था करना चाहिए।